तो दोस्तों आज हमने जो कॉलोनी के अंदर है कुछ स्टिक्स और लगा दिए ताकि अपने जो बर्ड्स हैं आराम से रह सके। ग्रीन वाले पैरट्स को दोस्तों हमने जो कॉलोनी के अंदर शिफ्ट कर दिया है बाकी बचे पैरट्स के साथ में, और इनके लिए हमने जो भिगे हुए चने दोस्तों इधर डाल दिए हैं उसके साथ में। आप देख सकते हैं ये है जो फीड के पास में बैठे हुए दोस्तों, और सुबह इनको हमने जो सब्जियाँ हैं काट के डाली थी तो इन्होंने जो सब्जियाँ भी खा ली थी दोस्तों, और उसके बाद इनको हमने जो चने हैं जो दोस्तों भिगो के डाल दिए हैं तो ये जो चने भी बहुत शौक से खाते हैं। तो कॉलोनी के अंदर अब हम जो सिर्फ पैरट्स रखेंगे, मुर्गे वगैरह को दोस्तों कॉलोनी से हटा दिया है, और ग्रीन पैरट्स दोस्तों इधर बैठे हैं बजीज अपने जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। कुछ मटकियों के अंदर दोस्तों बच्चे थे और तो बच्चों की हेल्थ आप देख सकते हैं, बच्चे जो काफ़ी बड़े हो गए। और इस वाली मटकी के अंदर दोस्तों दो फीमेलों ने एक साथ एक लेकर रखे तो ये बेचारा दोस्तों है जो अंडे से निकल नहीं पाया और ये है जो अंडे के अंदर ही मर गया। तो नई स्टिक्स लगने के बाद में दोस्तों कॉलोनी अपनी है जो भरी भरी लगने लगी है और काफ़ी है जो अच्छी लगने लग गई है। इसके अंदर दोस्तों जो कलर वगैरह हम करवा देंगे थोड़े दिनों के अंदर ताकि अपनी है जो कॉलोनी और भी सुंदर लगे। ग्रीन पैरट्स के साथ में दोस्तों अपने बजीज भी है जो फीड खा रहे हैं। तो दोस्तों बच्चों वाली मुर्गी को हमने इधर है जो नया केज दे दिया है और साथ में ब्लैक वाली मुर्गी को भी शिफ्ट कर दिया है ताकि इनकी भी है जो लड़ाई ना हो वाइट वाली मुर्गी के साथ, और बच्चे भी है दोस्तों इधर है जो आराम से घूम फिर सके। तो दोस्तों आज जो सेटअप से हमें 4 एग मिले हैं, कल दोस्तों 5 एग मिले थे लेकिन एक मुर्गी को कल हमने जो सेल कर दिया था इस वजह से आज हमें जो 4 ही एग मिले हैं। दोस्तों बच्चों की हेल्थ जो काफ़ी अच्छी है और बच्चे अब जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो घर पे दोस्तों एक मुर्गी है जो अंडों पे बैठी हुई है तो जैसे वो बच्चे निकालती है उसको भी अपन से सेटअप पे ले आएंगे और उसको भी दोस्तों इस केज के अंदर शिफ्ट कर देंगे, और इन बच्चों को दोस्तों जो इधर मुर्गियों के साथ में शिफ्ट कर देंगे जब तक ये बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। कुछ मुर्गियाँ दोस्तों इधर आए जो सामने की तरफ आपको नज़र आ रही होगी, सामने जो दाना वगैरह पड़ा हुआ है तो वो खा रही है। तो दोस्तों अपने पिजन्स के बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एक बच्चा तो आपको जो सामने नज़र आ रहा होगा इसको मैंने जो नेट बॉक्स से बाहर निकाल दिया है, बरसात की वजह से दोस्तों ये है नेट बॉक्स के अंदर पानी चला गया था और इस वजह से ये थोड़ा है जो दोस्तों गंदा गंदा नज़र आ रहा होगा आपको, तो जैसे ही दोस्तों धूप निकलती है तो इनको हमें एक दिन नहला देंगे ताकि ये जो साफ़ हो जाए। तो ये वाला पेड़ दोस्तों नेट बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है और इसने जो एक भी लेकर रखा है दोस्तों, एक एक आपको जो सामने पीछे की तरफ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इस फीमेल ने जो एक एक लेकर दिया है और ये है जो अपने एक को इनक्यूबेट कर रही है। नया वाला मेल दोस्तों इधर है जो नेट बॉक्स के ऊपर बैठा है और फीमेल है जो पीछे की तरफ बैठी हुई है, और ये दोस्तों फीमेल है जो नेट बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। तो इस वाले नेट बॉक्स के अंदर भी हम देख लेते हैं कि अंडे वगैरह है या नहीं है। तो दोस्तों इस वाली फीमेल ने भी है जो एक लेकर दिया है, सामने आपको जो एक नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों दोनों पेयर्स ने है जो एक साथ ही एक ले किया है तो एक साथ में दोस्तों ये बच्चे निकालेंगे, मेल है जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। तो दोस्तों नई वाली फीमेल है जो इधर इस नेट बॉक्स के पास में बैठी हुई है, ज़्यादातर टाइम ये जो नेट बॉक्स के अंदर रहने लगी है तो जल्दी ये भी है जो एक लेकर देगी। तो दोस्तों मुर्गियों के जो हमने इनकी फीड वगैरह डाल दी है तो अब टाइम है इनके लिए जो हरा घास लाने का, तो हम जाते हैं और इनके लिए जो हरा वाला घास लेके आते हैं और इनको दोस्तों हम हरा घास है जो काट के डालते हैं। तो ये है जो वो कटा हुआ घास दोस्तों बहुत ही शौक से खाती है, सामने आपको सारी मुर्गियाँ एक्टिव और हेल्दी नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो अपना यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल है सर, लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।